हेलो दोस्तों, मैं माला चटी जी किचन में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बना रही हूँ लपेटा मटन। आज ये मेरा संडे का स्पेशल है, मटन लपेटा। ओके, तो देख लीजिए, मैंने 700 ग्राम करीब मटन लिया है। ये 700 ग्राम करीब मटन, अब इसमें जाएगा 4 प्याज। ये देखिए, 4 प्याज काट करके फिर मैं आ रही हूँ पटक से। ओके, और भी मसाले लगे, 1/4 कप, मेजरिंग कप का 1/4 कप है। इसमें मैं तेल डाल रही हूँ, सरसों का तेल है ये। ये देखिए, सरसों का तेल है। अब इसमें मैं प्याज डाल दूंगी, ये बेरस्ता के लिए है, थोड़ा सा बेरस्ता होगा। थोड़ा सा मैं इसमें नमक डाल दूंगी, अभी नहीं नमक डालूंगी, थोड़ा सा हो जाए, इसको कवर कर दूंगी बस। अब इधर आ जाइए, अब इसमें मैंने ये दो प्याज है, एक और प्याज दूंगी इसमें। इसको मैं पहले थोड़ा सा नमक डाल करके, थोड़ा सा नमक, ये हल्दी पाउडर जाएगा, हरी मिर्च जाएगी, ये देखिए, और ये कश्मीरी रेड चिली पाउडर जाएगा। और इसमें इसी में मैं 2 चम्मच करीब लिया है, तो मैंने ये हरी मिर्च, हरी मिर्च बहुत स्वाद आता है। इसको मैं अच्छी तरह से सान लूंगी। इसमें मैंने लहसुन लिया है, 2-3 लहसुन लिया है, क्योंकि 700 ग्राम है ना। और इसमें जाएगा अभी अदरक 1 इंच, इसमें इसको इसी में डाल दे रही हूँ। ये 1 इंच करीब अदरक जाएगा, इसके घिस के डाल दूंगी मैं। ये देखिए, 1 इंच करीब अदरक है। तीखा आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं, इसमें आप लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा ही डालूंगी। हरी मिर्च डाला है मैंने, अब मैंने थोड़ा सा ही इसमें लाल मिर्च डालूंगी। ये इसको पूरा करके मैं ले आऊँगी, इसमें सान करके रखना है मुझे। अब ये देखिए, मेरा ये जाएगा फोड़न, इसको मैं थोड़ा सा डाल बस। अब इसमें जाएगा ये देखिए, मैंने इसको तल के रख दिया अलग से। ये देखिए प्याज का, ये बिरस्ता कहते हैं इसको। ओके, अब देख लीजिए, मैं 4 ये हरी लाल मिर्च दे रही हूँ, और ये खसखस का 1 चम्मच खसखस, और ये 2 तेज पत्ता, 1 जावित्री, 1 बड़ी इलायची, इसको जरा सा फोड़ के देती तो अच्छा होता, ये फोड़ ले रही। ये देखिए, ये फोड़ लिया मैंने, फोड़ के दीजिएगा, जब भी आप दें ना फोड़ के, तब इसका सुगंध आएगा, और कुछ नहीं। सब फोड़ के ही मैं दे रही हूँ इसको, जरा सा फोड़े को जरा लग वो हो जाने दीजिए बस, हो गया है। अब
अब मैं ये इसको दे दूंगी सारे मसाले को। अब मैं मटन को दे देंगे, मटन नमक है इसमें आधा चम्मच मैंने नमक दिया है, अगर जरूरत लगेगा बाद में और भी थोड़ा दे देंगे। अब थोड़ी देर के लिए मैं कवर कर दूंगी। ये देखिए थोड़ा सा मैं तीखी वाली मिर्ची दे रही हूँ। अब इसको मिला देंगे। मैंने आलू दिया है थोड़ा, बस अब इसको मीडियम मीडियम गैस पर कवर कर देंगे। ये देखिए थोड़ा सा पानी है, अभी पानी आया है, खो पानी निकला है, नीच से पानी छोड़ता है ना, नीच में पानी छोड़ा है खो, तो अभी थोड़ा सा है। इसके लिए अब मैं इसमें ये बेरिस्ता दे रही हूँ। आप थोड़ा सा अगर चाहिए तो आपको ग्रेवी बनाना है तो आप थोड़ा सा पानी दे सकते हैं, वो मैं तो नहीं दे रही हूँ अभी। और गरम मसाला दे देती हूँ एक चम्मच से, बस तो गरम मसाला दे दिया मैंने, वो एवरेज का जो गरम मसाला होता है वही दिया है। थोड़ी देर बाद आऊंगी। थोड़ी देर बाद आके आप देखिए अब मेरा हो गया है। ये देखिए अब मैं इसमें आधा नींबू निचोड़ दूंगी। ये देखिए आधा नींबू इस तरह से निचोड़ देना है, क्योंकि इसमें टमाटर दही कुछ नहीं गया है ना। बस आधा नींबू निचोड़ लिया मैंने, अब इसको मिला दूंगी ऊपर नीचे।
ये अंगारा मैंने दिया है, ये अंगारा मैंने दिया है, इसको मैं बीच में रखूंगी। और ये इसको ऊपर दे दूंगी थोड़ा सा चाय की पत्ती, थोड़ा सा घी, घी जाने के बाद अब मैं इसे कवर कर दूंगी। बस कवर करने के बाद अब थोड़ी देर बाद इसको खोलूंगी। ये देखिए चिकन लपेटा, ओके, ये एकदम हो गया है, तैयार है। अब मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। ये देखिए, ये मैंने जीरा राइस के संग में सर्व कर रही हूँ। ये चिकन लपेटा देख लीजिए, चिकन लपेटा, आज की रेसिपी है चिकन लपेटा, चिकन लपेटा जीरा राइस, ओके। देखिए